Hello, good morning dear student. In the previous lecture we have to seen that merge price type maximum demand indicator. In this lecture we will discuss about right maximum demand indicator. तो जो maximum demand indicator है ये क्या होता है, जो आपका maximum आपकी value है उसको, जो आपकी जितना power का consumption particular एक time पे होना चाहिए, अगर आप उससे excess आप power का consumption कर रहे हैं तो उस power को measure करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो ये आपके दो टाइप के थे, एक आपका मर्ज प्राइस टाइप का और एक आपका है राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। इसी को हम कहते हैं थर्मल मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, क्योंकि ये आपका हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो इसके हम पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपके क्या क्या चीज़ें लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पर एक आपकी ये यू टाइप की क्या है, नली है। ये यू टाइप की आपकी नली है और यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन मतलब ये आपका संकुचित भाग है, सिकुड़ा हुआ पोर्शन है। ठीक है, ये आपकी यू टाइप की नली है जिसमें आपके दो क्या है, बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब ये और एक आपके ये बल्ब। ठीक है, तो इसमें आपके क्या हैं, दो बल्ब यूज किए गए हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या है, दो बल्ब यूज किए गए हैं। एक बल्ब पर क्या है आपका, एक बल्ब पर आपका जो आपका एक बल्ब है उसमें उस पर आपकी हीटिंग स्ट्रिप, जो हीटिंग एलिमेंट है ठीक है उसकी स्ट्रिप यूज की गई है। ठीक है, और इसमें से आपकी लोड करंट आपकी पास होती है। ये आपकी यू टाइप की एक नली है। ठीक है, इसमें आपका क्या भरा रहता है, H2SO4। ठीक है, इसमें आपका H2SO4 कैसा रहता है, डाइल्यूट इसमें H2SO4 हम फिल करते हैं। कैसा करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 इसमें फिल करते हैं। और जो इसका सेप है ये यू टाइप का होता है और इसमें आपका एक कंस्ट्रक्शन, ये पोर्शन कंस्ट्रक्शन है और ये आपकी स्केल है। तो ये आपकी जो एक इंडिकेटिंग ट्यूब है, एक इसी के साथ आपकी क्या होती है, इंडिकेटिंग ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब है ये आपकी इंडिकेटिंग ट्यूब है, इसके ऊपर स्केल बनी हुई है। जैसे आपके पास जो आपके डॉक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है, थर्मामीटर होता है। तो उनके जो थर्मामीटर होते हैं उसमें जो कि आपका क्या भरा रहता है, मरकरी भरा रहता है। जब आप उसको, उसका जो इंड पोर्शन होता है उसको आप बॉडी से टच कराते हैं जीरो पे लाकर, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे जो आपका वो जो पारा होता है वो ऊपर चढ़ता है। तो जिस पे आपका पारा पहुंच जाता है उतना ही आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये आपकी उसी टाइप की ये ट्यूब है, इसके ऊपर आपकी स्केल बनी हुई है। ठीक है, और इसमें आपकी H2SO4 डायलूट H2SO4 फिल की गई है और ये जो डायलूट H2SO4 है इसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट है वो आपका कम होता है। क्या होता है, जो टेम्परेचर कोफिशियंट है ये आपका इसका कम होता है, कम गुणांक का इसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट गुणांक है वो आपका क्या होगा, कम रहता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ट्रैप्स लगे हुए, ट्रैप्स मतलब आपका फंदे। ठीक है, इसका यूज इसलिए किया गया है कि जो आपकी इस साइड की गैस है, इस साइड की गैस है, इस साइड की गैस है, ये आपकी इधर की गैस इधर ना जा सके, इधर की गैस इधर ना जा सके, हम जो है कि ट्रैप का यूज इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होंगे, टू आपके बल्ब हो गए और हीटिंग आपकी स्ट्रिप हो गई और इसके अंदर हम क्या करते हैं, H2SO4 गैस को फिल करते हैं और इसमें आपका क्या होता है, इंडिकेटिंग ट्यूब यूज करते हैं जिसके ऊपर क्या होती है, आपकी स्केल बनी रहती है। इंडिकेटिंग ट्यूब के ऊपर क्या रहती है, आपकी स्केल बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका कंस्ट्रक्शन हो गया कि इसमें आपके दो बल्ब होते हैं, एक पे आप जो है ये एक आपका एयर बल्ब होता है और एक आपका हीटिंग बल्ब होता है। ठीक है, एक आपका हीटिंग स्ट्रिप के लिए हो गया जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी हीटिंग स्ट्रिप यूज की जाती है। तो जो हीटिंग स्ट्रिप आपकी यूज की जाएगी वो आपका क्या होगा, या तो नाइक्रोम होगा, टंगस्टन होगा, इस तरीके की आप यहाँ पर हीटिंग स्ट्रिप का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन के पार्ट होंगे कि इस तरीके से हम क्या करते हैं,
जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं। ओके, तो ये तो आपकी हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। अब देखिए आपका ये वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा। तो जब आप क्या करेंगे, जो आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर होता है वो एनर्जी मीटर के साथ क्या रहता है, इनबिल्ट किया जाता है। तो जो आपका ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है इसको जब एनर्जी मीटर के साथ इनबिल्ट करेंगे तो ये आपका जो ये दो आपके टर्मिनल हैं, मान लीजिए आपका ये T1 और आपका T2, इस टर्मिनल को क्या करेंगे, एक साइड आपको सप्लाई साइड से और दूसरे साइड लोड साइड से। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें जब आपकी करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो जब इसमें आपकी करंट फ्लो होगी वो जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एच इक्वल टू I² RT। जब इसमें से आपकी करंट फ्लो होगी तो आपका हीटिंग जो एलिमेंट वो क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। जब हीटिंग एलिमेंट हीट होगा तो ये आपकी जो H2SO4 गैस यहाँ पर फिल की गई है, जो H2SO4 आपका ये इसमें इसका जो तनु विलयन रखा गया है ये क्या होगा, हीटिंग की वजह से ये हीट होगा। फिर ये क्या करेगा, ये हीट होकर ये एक दूसरे के जो अब इसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर है ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसमिट करेगा, ये अपनी एनर्जी इस तरीके से अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ये ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हीट होगा, इसकी वजह से ये आपके हीट होने की वजह से ये आपका हीट होगा इसकी वजह से। अब ऐसा नहीं कि इधर का जो आपका H2SO4 है वो इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड का जो विलयन है वो इस साइड नहीं आएगा, इस साइड का जो विलयन है ये हीट होने की वजह से इस साइड का जो विलयन है उसको हीट करेगा, फिर ये आपका इधर से हीट होगा। तो ये जो प्रक्रिया है आपका, जब ये हीटिंग एलिमेंट में जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, करंट की वैल्यू है वो आपकी जो करंट है वो कितनी देर तक आप जो है कि इसको यूज करेंगे तब जो है कि आपका ये प्रोसेस होगी। अगर आपका इसका टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है, कम है, तो जब इसका टेम्परेचर कोफिशियंट कम है तो उस स्थिति में ये जब देर में गर्म होगा तो इसके मॉलिक्यूल भी आपके जो देर में गर्म होंगे तो जो आपकी ये एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसमिट करते जा रहे हैं वो आपका प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो आपके मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर हैं उनको आप एटलीस्ट अगर आधे घंटे यूज करेंगे तब जो है कि वो रीडिंग देना शुरू करता है, ठीक है। जब आप इसको मिनिमम आप आधे घंटे यूज करेंगे तब जो है कि ये रीडिंग देना इसमें शुरू करेगा। तो रीडिंग कैसे देगा, ये जो आपका सोल्यूशन है H2SO4 का जो विलयन है ये इसमें आपका फिल होना शुरू करेगा। तो शुरुआत में क्या होगा, जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, जब यूज करने जाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, ये अगर आपका ये जीरो है और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो ये रीडिंग किस में होगी आपकी, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपकी किलोवाट में होगी। क्यों भाई, ये रीडिंग आपकी किस में होगी, किलोवाट में होगी। तो अगर मान लीजिए इसमें कोई आपका बिलियन नहीं भरा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो लेवल तक पहले बिलियन को फिल करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसमें जीरो लेवल तक इसमें बिलियन को फिल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम जब इसको लोड पर यूज करेंगे तो ये क्या होगा, जब कोई लोड जैसे कि मान लीजिए आपके घर का लोड 1 किलोवाट का है और आपने क्या किया 1.2 किलोवाट किसी टाइम यूज किया और उस लोड को किसको, इस लोड को आपने आधे घंटे से ऊपर तक यूज किया, इस लोड को आपने आधे घंटे से जब ऊपर इसको यूज किया तब आपका क्या होगा, ये हीटिंग स्ट्रिप जो आपकी हीट होगी इसकी वजह से यहाँ पे जो आपका बिलियन है ये आपका हीट होगा, इसकी वजह से ये आपका बिलियन ऊपर से ये आपका इसमें आके क्या होगा, नीचे भरना शुरू होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका बिलियन यहाँ तक भर गया तो यहाँ पर आपको जो रीडिंग मिल रही है वो रीडिंग मिल रही है 1.5 किलोवाट, ठीक है, और आप कितना लोड चला सकते हैं 1 किलोवाट तक, 1 किलोवाट तक। तो आपका यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, आकर फिल हो जाएगा बिलियन, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपका ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इतनी आपको रीडिंग शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपने तो एक बार इतना लोड यूज किया फिर आपका लोड बढ़ाकर कितना हो गया 1.5 किलोवाट, तब आपको ये रीडिंग मिल रही है, क्यों, तभी तो आपको इतनी रीडिंग मिलेगी। फिर आपने क्या किया, अब अगर आप इतना ही लोड तक यूज कर रहे हैं तो आप जब इतना लोड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1.2 किलोवाट। तो ये इस स्थिति में
जब आपने इतना लोड एक बार यूज कर लिया, तो जब आप दोबारा इतना लोड यूज करेंगे तो ये आपका इतनी ही रीडिंग पर जो आपका शो करता रहेगा, आपको इतनी रीडिंग 1.5 किलोवाट पर रीडिंग क्या करता रहेगा, शो करता रहेगा, ठीक है। फिर जब आपकी करंट की वैल्यू और बढ़ेगी, ठीक है, जब करंट की वैल्यू और बढ़ेगी तब आपका क्या होगा, ज़्यादा और हीट प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से अब फिर आपका लिक्विड भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब फिर आपका लिक्विड भरेगा तो आपका यहाँ तक इसके ऊपर जब आप लोड यूज करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया 1.5 किलोवाट से 1.8 किलोवाट आपने लोड यूज किया, तब पहले इस टाइम पे करंट की वैल्यू कुछ रही होगी, मान लीजिए इस टाइम पे करंट की वैल्यू आई वन थी, ठीक है, और जब आपने लोड ये यूज किया तो आई टू हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जो आई वन है वो लेस देन होगी क्या आई टू से, या इस कंडीशन में आपका लोड बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो आपका हीटिंग एलिमेंट है वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से आपकी ज़्यादा इसमें क्या होगी, ज़्यादा आपका लिक्विड, जो आपका ज़्यादा सोल्यूशन आके इसमें फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपके पास सवाल आना चाहिए कि जो आपकी इसमें सोल्यूशन है, क्या अगर आपका लोड पहले कितना था 1 किलोवाट, अगर आप 1 किलोवाट कर रहे हैं तो इसमें आपकी रीडिंग 1 किलोवाट तक क्या करेगी, मैक्सिमम रीडिंग आपको इतना शो करेगा। लेकिन फिर आप जब इसको 1.5 किलोवाट पे यूज किया तभी आपको 1.5 किलोवाट की रीडिंग कुछ दिखाएगा, ठीक है। फिर आपने लोड 1.8 किलोवाट किया, तब अब जो है कि आपका ये 1.8 किलोवाट रीडिंग को क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि अब लिक्विड आके आप और आपका इसमें क्या होगा, फिल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, किस टाइप का, थर्मल टाइप का, इस तरीके से मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू है किसकी, पावर की, उसको आपको इसमें शो करता है कि आपका जो है कि लोड, आपने जो है कि कनेक्शन लिया है 1 किलोवाट का और आप चला रहे हैं 1.5 किलोवाट पर, 1.8 किलोवाट पर, तब आपको जो टेक्नीशियन है वो क्या कहेगा कि आप अपना लोड बढ़वाइए, ओके, आप अपना लोड जो है कि और इंक्रीज करवाइए, अदरवाइज आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, ठीक है। तो अब जो है कि इसमें क्या ये करंट की वैल्यू, अगर आप इतने किलोवाट पर यूज कर रहे हैं तो क्या इसमें और लिक्विड आकर भरेगा, नहीं। अगर आप इसको इतने किलोवाट पर यूज कर रहे हैं तो पहले तो आपकी रीडिंग इतना पे शो कर रहा था, फिर आप इतने किलोवाट पर यूज कर रहे हैं या 1.2 किलोवाट पर यूज कर रहे हैं, तो क्या ये रीडिंग को शो करेगा, मतलब और रीडिंग को बढ़ाएगा, 1.8 पर दिखा देगा, नहीं दिखाएगा। जब आप इसको इससे ज़्यादा लोड पर अगर आप यूज करते हैं, जैसे आपने यूज कर लिया दोबारा किस पे 1.8 किलोवाट पर, तब यह क्या करेगा, 1.8 किलोवाट की रीडिंग को शो करेगा। फिर अगर आपने इसको दोबारा 1.5 किलोवाट पर यूज कर रहे हैं तब पर भी ये 1.8 किलोवाट की रीडिंग को ही शो करेगा, कितने को शो करेगा, 1.8 किलोवाट को ही शो करेगा, ठीक है। फिर अगर आपने जब 1.5 किलोवाट से ज़्यादा लोड यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, 1.8 किलोवाट से ज़्यादा, मान लीजिए आपने 2 किलोवाट यूज कर लिया तो 2 किलोवाट की जो रीडिंग होगी वहाँ तक आपका लिक्विड फिल होगा। लेकिन जब आप पहले के लोड से आप जब ज़्यादा लोड यूज करेंगे तो उसकी भी कंडीशन है, वो लोड आपका मिनिमम आधे घंटे तक चलना चाहिए। अगर आप उसको आधे घंटे से कम तक यूज करते हैं तो उसको कंसीडर नहीं करता है ये आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। अब जो है कि इसमें सवाल ये आता है कि अगर हम इसको यूज करते रहे इसमें जो है कि लिक्विड आपका फिल होता रहे तो आपका ये उतनी ही वैल्यू को शो करता रहेगा, तो क्या आपका जो लिक्विड है इसमें, जो आपका H2SO4 का जो बिलियन है उसको आप फिर से निकालेंगे, तो जब आपका ये लोड इतना बढ़ने लगेगा तो इसमें आपको रीसेट का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें शो नहीं किया गया है कि इसको आप किस तरीके से रीसेट करेंगे, जैसे आपका कोई भी वैल्यू कुछ शो कर रहा है, 1.8 किलो शो कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो कंज्यूमर है उनके पास ऑप्शन नहीं है कि इसको रीसेट करके 0 पे ला दें, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास जो टेक्नीशियन है,
जो आपका डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ये ऑप्शन रहता है कि इसको एनर्जी मीटर को खोलेंगे, फिर इसके बाद अंदर से इसको ऑप्शन रहता है कि इसको जो लिक्विड है उसको जीरो तक लाएं। तो जीरो तक लाने के लिए आपको इसको निकालना पड़ेगा, फिर जो है कि जीरो तक लाकर लिक्विड को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहता है, ये ऑप्शन आपके टेक्नीशियन के पास रहता है। और जब भी आप एनर्जी मीटर को आप खुद नहीं खोल सकते क्योंकि उसमें अलग से लॉक लगा रहता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप उसको खुद खोल के इसको जीरो पे लाते हैं अपनी मैक्सिमम डिमांड को, तो उससे जो आपका टेक्नीशियन है वो पकड़ लेगा कि आप जो है कि बिजली की ज़्यादा खपत करके उसको चोरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो जो इसकी स्केल है, ठीक है, जो स्केल है, स्केल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के। अगर करंट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उसी के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट, जो आपका यहाँ पर पॉइंटर लगा होगा, ठीक है, पॉइंटर तो इसमें नहीं होगा, इसमें इंडिकेशन जो आपको दिखाएगा ये आपका धीरे धीरे ऊपर तक बढ़ेगा। तो इंडिकेशन के तौर पर क्या है, जो आपके इसमें तनु विलयन है वो आपका जीरो से ऊपर तक भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। जितना तक भरा रहेगा वहाँ तक आप जान पाएंगे कि यहाँ तक हमारी मैक्सिमम जो डिमांड है या जो मैक्सिमम रीडिंग है या मैक्सिमम एनर्जी का जो पावर का कंजप्शन है वो यहाँ तक आपका हो रहा है, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि आप इसको एक मिनिमम क्या करना पड़ेगा, जो है कि आपको 30 मिनट तक लोड को चलाना पड़ेगा। मिनिमम 30 मिनट तक अगर लोड को चलाते हैं तभी ये जो है कि आपकी जो मैक्सिमम डिमांड है उसको रीड करेगा। और इसमें जो आपकी ये नली यूज की गई है, जो आपकी ट्यूब है, ठीक है, यू टाइप की जो ट्यूब यूज की गई है, इसकी जो कंडक्टिविटी है ये भी आपकी कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो आपका इसमें सोल्यूशन रखा गया है किसका, H2SO4 का, वो बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से आपका इसमें आकर फिल होने नहीं लगता है, ठीक है। इसको फिल होने में इसमें आपका टाइम लगता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसको हीट होने में टाइम लगता है। जब आपका ये हीट होगा तभी तो अपनी जो है कि इसको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, अपनी एक दूसरे की हीट को ट्रांसफ़र करेंगे तभी तो इसमें आपका लिक्विड आके फिल होना शुरू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कि ये थर्मल टाइप का मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है। एक जो इसकी खास बात है कि इसकी जो सेटिंग है, ठीक है, इसमें जो रीसेट की सेटिंग है वो आपके कंज्यूमर के हाथ में नहीं रहती है, क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर आपका ये ऊपर से भर रहा है तो नीचे से भरना शुरू करेगा, नहीं। इसको हम क्या करते हैं, जो जब हम इसको यूज में लाते हैं, यूज में लाने से पहले इसमें हम क्या करते हैं, जो लिक्विड होता है, सॉरी, जो आपका इसमें विलयन होता है उसको हम जीरो तक पहले से भर देते हैं, ठीक है। जब पहले से उसको जीरो तक भर देंगे तो क्या होगा कि जीरो तक पहले से रहेगा, फिर इसके बाद जब आप इसको कोई लोड पे यूज करेंगे तो इसकी वजह से आपका इसमें कुछ लिक्विड आकर भरेगा। तो आप कि पहली बार में किस लोड पर यूज किया, मान लीजिए आपने 800 वाट पर यूज किया तो ये 800 तक की रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो इससे ये पता लग पाएगा कि आपका लोड, आपने जो मैक्सिमम यूज किया वो 800 किलोवाट, ठीक है। और आपने किसी टाइम क्या किया, सब कुछ अपने घर का चालू कर दिया तो आपका लोड हो गया 1.5 किलोवाट, तो अब जो है कि ये 1.5 किलोवाट रीडिंग शो करेगा। तो इससे ये पता लगेगा कि आपका जो लोड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स इसके समझ में आए होंगे, ओके।